कटक रे गत 17 तारीख रु 31 तारीख पर्यंत रहिछि लॉकडाउन। विभिन्न छक रे कडाकडी चेकिंग करूछि कमिशनरेट पुलिस। बैंक गुडी को 25% कर्मचारी को नै काम करिवे बोली राज्य सरकार निर्देश दैछन्ते। कटक जिल्ला रे पर्यंत 1567 आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले 1078 जण सुस्थ होइछन्ते एवं 477 जण एक्टिव अछन्ते। सेहिबली कटक शहर रे 579 जण पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा बेले 242 जण सुस्थ ओ 329 जण एक्टिव अछन्ते। वर्तमान सुधा एते संख्यक पॉजिटिव थिबारु कोरोना चेन ब्रेक करबा पई सरकार 31 तारीख पर्यंत एही 14 दिनिया लॉकडाउन जारी करिछन्ते। तबे अधिकांश स्थान रे लोक नियम न मानि बाहर को बाहरुथबा मध्य देखिबा को मिलिछि। दिन गोटाए पर्यंत अत्यावश्यक सामग्री जेपर कि ग्रोसरी परिवा दुकान खोला रहुछि। तबे मोटरसाइकिल व्यवहार न करी चली चली किंबा साइकिल रे जिबा को परामर्श दैछन्ति पुलिस कमिश्नर। अधिक सूचना पाई सीधा सड़क कटक रु आम सहित जोड़ी होती आम कटक जोनाल हेड विभूति साहू। विभूति लॉकडाउन जेपरी कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ी चली कटक भी से चारिटी जिला एवं राउरकेला महानगर निगम जहाँ रही खोर्धा गंजाम कटक एवं जाजपुर रही कटक भी से जोन रे आसुची सरकार को फोकस रे रहुची। एवं जेहेतु अत्यावश्यक सामग्री दुकान गुड़िक गोटाए पर्यंत खोला रहुची आम भिजुआल भी देखिपे लोक मैंने तो चली चली जाऊँच साइकिल भी जाऊँच कितु गाड़ी भी व्यवहार करमती गाड़ी व्यवहार करने को कमिशनरेट पुलिस पक्ष मना कर विभूति। देखंतु दीप्ति जहाँ वर्तमान चित्र जो चारोटी जिले में लॉकडाउन जारी रही 31 तारीख पर्यंत रही राज्य में वर्तमान 22693 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले कटक जिले में 1567 एवं कटक सहर 579 चिन्हट। मुझी भिडियोग्राफर देखे चित्र जो भाई भाव में लोक अनेकांशे लोक गाड़ी धरी बाहर को बाहर वर्तमान आक्टिव कथा जी कह सारा राज्य में 7349 आक्टिव थी बेले कटक जिले में 477 आक्टिव एवं सहर में 329 आक्टिव रही सुस्थ संख्या जदि आप देखिए 15201 राज्य में सुस्थ होता बेले कटक जिले में 1078 और सहर में 242 सुस्थ होती मृत्यु बरण करोना सारा राज्य में 120 कटक जिले में 9 जन एवं सहर में 8 जन मृत्युवरण वर्तमान कटक सहर में 3टी कंटेनमेंट जोन है जोटि की अधिकांश आक्रांत चिन्हट होती भाई पुराणा राउसापाटा खटबिन साहर बारी लेन एवं शंकरपुर परिडा साई ए तीनोटी कंटेनमेंट जोन रही कंटेनमेंट जोन में गत काली स्वाब संग्रह करा कि मोबाइल भ्यान स्वाब संग्रह होती पुराणा राउसापाटा 1439 स्वाब संग्रह होती खटबिन साई में 1853 स्वाब संग्रह होती शंकरपुर 314 स्वाब संग्रह होती। गत काली आसवा नुआ तथ्य अनुसार जिले में 136 आक्रांत होता बेले सहर में 93 आक्रांत चिन्हट होती आपण जानते प्रथम गंजाम जिला को फोकस करी सेठी किभली अधिक आक्टिव कार्य हो पार एवं रोगी चिकित्सा हे से मुख्यमंत्री स्वतंत्र दृष्टि देते तापर जितेबले कटक रे एवं खोर्धार तार मध्य समीक्षा करते स्वतंत्र पैकेज अनुदान करते कटक जिले में कोविड हॉस्पिटल जहाँ रही सीडीए से 150 बेड रही जहाँकि आईसीयू एवं बेड रही व्यतीत आठगढ़ कोविड हॉस्पिटल 150 रही व्यतीत आउ दुईटी नुआ कोविड हॉस्पिटल करा जोठी की बालिकुदा निकटे गोटे हॉस्पिटल है एवं कटक सहर आउ गोटे जहाँकि प्राइवेट हॉस्पिटल थिला ताकू कोविड हॉस्पिटल रूपांतरित करा जाइछि एवं ए दुईटी हॉस्पिटल पाखापाखि 150 बेड रही व्यतीत कोविड केयर सेंटर एवं कोविड केयर होम मध्य स्थापन करुच्छे कटक महानगर निगम एवं जो कोविड केयर सेंटर कोविड केयर होम सेठी डाक्टर रहिबे नर्स रहिबे जो माने सेमी सिम्टोमेटिक बा नॉन सिम्टोमेटिक आक्रांत चिन्हट होउछन्ते से मानको सेठारे चिकित्सा करा जीवो किंतु जो कोविड केयर हॉस्पिटल सेठारे जो आक्रांत बा जो मानको अवस्था उद्वेगजनक रहिबो सेठी तांको भर्ती करा जीवो एवं आपण जानिछन्ती जो भली प्लाज्मा थेरापी ट्रीटमेंट मध्य आरंभ होइछि एवं गतकाली प्रथम जो 48 वर्ष महिला से सुस्थ होइके फेरिछन्ती प्लाज्मा थेरापी रे एवं वर्तमान प्लाज्मा थेरापी उपरे गुरुत्व दिया जाउछि कटक कोविड हॉस्पिटल काल कि प्रथम गतकाली प्रथम जे सुस्थ होइछन्ती
ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଗୋଟେ 100% ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲକଡାଉନ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଚେକିଂ ଜାରି ରଖିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ